हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? गुड इवनिंग। और ये देखिए शाम का टाइम है और मैं देखिए कितने ढेर सारे बैग लेके बैठी हूँ। ही रॉय कंपनी की तरफ से ये बैग आया है जो राजस्थान जयपुर की कंपनी है। मैं काफी टाइम से मैं सोच रही थी गिव अवे करने के लिए और वो टाइम आज आ गया है। ये कंपनी ऑनलाइन बैग सेल करती है। बैग चाहिए तो आप लोगों को छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में पूछूंगी आप लोगों से तीन सवाल, आपको बस सही सही आंसर देना है हमें कमेंट सेक्शन में। और ये ली रॉय कंपनी आपको आपके घर तक बैग भेजेगी। तीन सवाल का जो आंसर है इसी ब्लॉग में है। जो आंसर हमें सही सही कमेंट सेक्शन में हमें देंगे उनको ये मिलेगा ली रॉय कंपनी की तरफ से ये बैग। बहुत ही प्यारा प्यारा सा डिज़ाइन है कि मैं खोल के रखी हूँ और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। और ये बैग जो है हमारी परी ने पसंद कर लिया है पहले ही, और ये बैग परी को चाहिए। ये बहुत सुंदर लगा मुझे। साइड में ऐसे आप लंच बॉक्स रख दीजिए। एक दो तीन चार चेन है, काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए काफ़ी स्पेस है इसमें। और एक और है, दो बच्चे के आजकल तो जानते ही बैग जितना ज़्यादा बुक वगैरह होता है, ये आप लैपटॉप भी रख सकते हैं इधर। लैपटॉप के लिए काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा बैग है। वाटरप्रूफ सबसे खासियत है बैग, वाटरप्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए देखने में कितनी खूबसूरत है, ये ब्लू है। उसके बाद एक और है, ये रेड कलर है, ये भी बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए एक और है, ये ब्लैक, ब्लैक में खोल के दिखाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ब्लैक कलर। और ये डिज़ाइन कितना प्यारा सा डिज़ाइन है, ये सेम है, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ये बच्चे स्कूल भी ले जा सकते हैं, आप ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। और बरसात के टाइम में तो ये बैग काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, बहुत ही सुंदर है। हमारा पूरा ब्लॉग अच्छे से देखिएगा और मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी तीन सवाल, और तीन सवाल के सही सही जवाब देना है। यदि ये सवाल का जवाब सही सही जिसने जवाब दिया उनको ली रॉय कंपनी ये बैग भेजेगी उनके घर पर। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? और ये देखिए हमारा इडली का अब पेस्ट तैयार है। हमने जैसे चावल दिया था और उड़द की दाल, और चावल जो हमने दिया था दो ग्लास चावल और दो ग्लास दाल, या एक ग्लास चावल आप दे सकते हैं, एक ग्लास दाल। बहुत ही अच्छा ऐसे बनता है इस तरीके से देने से, आधा आधा यदि आप दोनों मात्रे में अच्छे से देंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। हमने एक दिन पहले इसको फुलाया था और फुला के पीस दिया मिक्सी ग्राइंडर में। उसके बाद अब बन रहा है सुबह का नाश्ता, बच्चे के लिए भी बना था सुबह सुबह। अभी मैं इसको साफ़ की हूँ इसलिए पानी पानी सा ये दिख रहा है। थोड़ा सा बर्तन भी ख़राब हो गया है, काफ़ी टाइम का बर्तन है हमारा ये, तो ख़राब हो गया है। तो सोच रहे हैं इसको लेंगे, लेकिन काम चल जाता है किसी चीज़ से तो फिर आलस हो जाता है, नहीं लिए हैं। क्योंकि बीज कभी कभी बनता है, रोज़ तो बनता नहीं है, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि जब ये फूल जाता है तो पूरा ऊपर तक ही आ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ। ये इसमें मैं ऑयल लगा रखी हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसानी से निकल जाता है। और बिल्कुल थोड़े थोड़े डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऊपर तक आ जाता है फूल के फिर ये, और चावल भी फुला हुआ होता है, दाल भी, और फिर इसका जो पेस्ट तैयार होता है तो वो भी फूलता है। एक दिन के लिए छोड़ देते हैं इसे क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है, फूलता है अच्छे से तो बनता है। और ये बर्तन जो होता है कहीं भी इजली आपको मिल जाएगा मार्केट में, काफ़ी कॉस्टली नहीं होता है। इस तरीके से डालना है, ये जो छेदा होता है ना इसके नीचे तक आनी चाहिए कि उसके भाप से ये सिक जाए। और बहुत ही टेस्टी लगता है, मेन होता है क्या, टेस्टी बहुत होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ये बना के फिर थोड़ा सा डोसा भी बनाऊंगी। इसको इधर रखती हूँ, रख दूंगी मैं। गैस भी चढ़ा दिया है हमने, पानी पानी हो रहा है गरम हमारा। और ये इस तरीके से देना है, बच्चे बहुत ही खुश हो के खाते हैं। मैं कोशिश करते रहती हूँ ना बीच बीच में कुछ ना कुछ नए नए बनाते रहूँ, बट सूट बहुत कम कर पाती हूँ मैं वीडियो, ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। और ये देखिए हमारे क्या हुआ है, ये ना टूट गया है। और ये इसको मैं ऐसे करके उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा ट्रिक, वही तो बड़ा गंदा हो गया है इसको। चलिए मैं साफ कर देती हूँ। और अभी हमने जो चटनी बनाया ना उसका पानी इस पर छिड़क के, और थोड़ा सा गंदा हो गया ये, और ये मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर, इसकी भाप नहीं निकलेगा।
और इस तरीके से हो गया है। हमारा बर्तन काफी पुराना हो गया है, एक इधर का है, ये इधर का निकल गया है। 10 से 12 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने गैस का फ्लेम अभी कम कर दिया कि बहुत ही अच्छे से पक के निकले ये इडली हमारा। और ये देखिए चटनी, चटनी भी हमने रेडी कर दिया है। मूँगफली लहसुन और इसमें से है मूँगफली लहसुन और हरी मिर्च, ये हमने दिया है और हमने इसको भून लिया था। उसके बाद हमने मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस के तैयार कर लिया। और अब मैं इसको उबालूंगी नहीं, कोई कोई इसको उबाल के भी बनाते हैं, मैं सीधा इसमें तड़का लगा दूंगी। इतना ज़्यादा चावल मेरा पड़ा है और मैं ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए हमने कहा 2 गिलास हमने चावल दिया था और 2 गिलास हमने दाल दिया था। और ये जो हमारा बचा हुआ है ये मेरा रात तक में ये ख़त्म हो जाएगा ये, इसलिए मैं ज़्यादा करके ही बनाती हूँ। और बच भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे आसानी से लंच बॉक्स में इसको दे देते हैं। मैं तड़के के लिए गर्म कर लेती हूँ थोड़ा सा, इसमें मैं सरसों और मिर्ची से इसका तड़का लगा दूंगी। देखिए हमने सरसों निकाल लिया, ढूंढ के सरसों का दाना हमें मिल नहीं रहा था। और मैं पता ही किससे निकाली हूँ, पचफोरन से निकाली हूँ मैं। और इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा सरसों, ये सरसों का तेल और सरसों के दाने और 2 सूखी लाल मिर्च। जब कुछ बना रहे हो ना बड़े प्यार से, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है तो बड़ा बुरा लगता है कि अभी कहाँ जाएंगे हम लाने, अभी नीचे जाने का दिल भी नहीं कर रहा। और ये देखिए, और अब मैं लगा देती हूँ छौंक, इसमें कड़ी पत्ते तो है नहीं। मैंने नमक डाल दिया, नमक मैं भूल गई थी डालना। और ये देखिए मैं ज़्यादातर जल्दी बेबाजी में ना इसको भूनिए और फटाफट से हाथ से छुड़ाइए और जल्दी से इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीसिए। और नहीं भी आप उबाल सकते हैं तो इस तरीके से चटनी आप जल्दी झटपट से बन जाता है। ये देखिए ये हमारा इडली बनके रेडी है और इसमें से ना आवाज़ें आने लगती है सीसी की, तो आपको पता चल जाएगा क्या बन गया है। और मैं गैस भी ऑफ कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ठंडा हो जाए उसके बाद खोलूँगी मैं। अब इतना अच्छा तो मैं बना नहीं पा रही हूँ जैसे सॉफ्ट सब पे बनती है डोसा, थोड़ा सा फिर भी मोटा लगता रह गया यहाँ पे, इसको मैं हटाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी काफी अच्छा बन गया। आप चाहे तो इसके बीच में आलू का चोखा बना के, इसी तक सरसों का तड़का लगा के सरसों और मिर्च का, इसके आगे भी आप इस तरीके से आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ। इडली बनके रेडी है, अब थोड़ा सा और ठंडा होने देती हूँ, भाप निकल रहा है बहुत तेज। ऐसे आप लोग सोनाली भजन ब्लॉग देखने वाले, नाश्ता बनके तैयार है और आज क्या बनाया देखिए, इडली मैडम ने बनाई है, पता चली गई होगा। बहुत ज्यादा पसंद है, हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा लेके बैठे हैं। हमने बताया था क्या इस वीडियो में आपसे, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी सवाल और वो सवाल का आंसर देना है आपको सही सही, और जिसका सही आंसर होगा उसको लीरॉय कंपनी की तरफ से मिलेगा उसको बैग। इसका सही जवाब होगा मैं खुद कांटेक्ट करूंगी और वो लीरॉय कंपनी को मैं खुद दूंगी आपका एड्रेस फ़ोन नंबर, वो कंपनी आपको घर तक बैग भेजेगी। सवाल है कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। सेकेंड सवाल है ये कंपनी कहाँ की है। थर्ड है हमने किसके साथ ब्रेकफास्ट किया। बहुत ही इजी सवाल है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। बाय बाय।